उनका धन था उसी टाइम में उसी जमाने में, तो इतने सारे सोने का उनको मिलता था भगवान ये मतलब ये हुसैन शाह के दरबार से। तो दो हिस्सा से डिवाइड किया, 50% जो है 50% और वो वैष्णव लोग फिर साधु लोग इन लोगों के सेवा के लिए दे दी 50%, और जो 50% है उसको दो हिस्सा में डिवाइड किया, एक हिस्सा दे दिया अपना मतलब घर वाले ये सबको दे दिए, और एक हिस्सा जो था और एक हिस्सा रख दिए कुछ बाद में काम में आए इसके लिए और एक हिस्सा रख दिया। तो इसीलिए इस हिस्सा को हम लोग भी फॉलो करते हैं जो हमारे पास आउट डिवोटीज है, लेकिन 50% हम लोग नहीं मांगते हैं, 10% मांगते हैं, वो भी कोई कहीं थोड़ा रो देते हैं। तो जो भी हो तो रूपा गोस्वामी के इस बात के फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो रूपा गोस्वामी इसको रख दिया, फिर उसके बाद सनातन गोस्वामी जो है वो देखा कि हमको कुछ करना पड़ेगा, तो उन्होंने घर में ही वो भागवत सप्ताह कर दिए, घर में बैठ के भागवत सप्ताह चल रहे हैं, और नवाब अपने लोगों को भेजा कि अरे वो क्यों नहीं आ रहे, हफ्ता हो गया, एक हफ्ता हो गया, वो क्यों नहीं आ रहे, उसको बुला के लाओ। तो सब आके देखते हैं कि अरे वो तो बहुत अच्छा से यहाँ पर भागवत पाठ कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसे खबर भेज दिया कि हमारा बुखार हुआ है ना। तो ये जो ट्रांसेंडेंटल चीटिंग ये तब से चल रहा है, ठीक है, अभी का नहीं। ये जो हम लोग बोल के आए हैं कि हमारा माँ का थोड़ा तबीयत अच्छा नहीं है, ये सब बहाना सब उधर से स्टार्ट हुआ है, ये सब न्याय हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, सब उधर से ये सब बहाना स्टार्ट हुआ है। तो वो वैसे बहाना बना के श्रीमद भागवतम का एक हफ्ता यहाँ पर हमारे घर में बिठा रहे थे। तो जब वो लोग आए तो वो लोग देख के चकित हो गए, अरे एक कुछ नहीं हुआ, बेकार का नाटक चल रहा है इधर। तो वो लोग जाके थोड़ा इन्फॉर्म कर दिए किसको, हुसैन शाह को इन्फॉर्म कर दिए। इन्फॉर्म करने के बाद हुसैन शाह उनको बोले उसको जैसे है वहां से उसको उठा के लेके आओ, जैसे है वैसे उठा के लेके आओ। तो आके उसको उठा के लेके गए, तो उसका विचार हुआ कि अरे तुम ऐसा ऐसा करता है, बोले नहीं नहीं मैं आपको बहुत बार बोला हूँ कि हमको निकाल दीजिए, आप निकालते ही नहीं है, मतलब देखिए ये रिजाइन देते हैं उसका रिजाइन लेटर एक्सेप्ट ही नहीं होता है, क्या आदमी है देखो, और हम लोग रिजाइन देना ही नहीं चाहते। तो बोले तो उसको जेल में कैद कर दिया गया। अभी ये जो रूपा गोस्वामी ये लोग खबर भेज दिया कि आपके लिए ये सोना का एक नौका रखा हुआ है, तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन्होंने और एक चीटिंग का सहारा ली, वो जो डोरकीपर थी, मतलब डोरकीपर नहीं मतलब गार्ड दरवान जो थी, वो दरवान को बोले कि देखिए हर एक मुस्लिम का एक सपना होता है, क्या सपना होता है, हज जाना। तो हमारा भी इच्छा है हम भी थोड़ा हज जाए, थोड़ा वापस जाके हमारा प्यूरिफाई होगा, हमारा ये होगा। तो वो भी मुस्लिम था, थोड़ा देखे कि अरे सेंटीमेंट में आ गया, थोड़ा वो भी रो रहा था, देखो हम कैद कर दिए, हम गए नहीं, हमारा जिंदगी नरक में चला जाएगा, तो वहां पर जाके थोड़ा शुद्धिकरण, तो आप मेरे को हेल्प करेंगे तो आपके बारे में भी हम अल्लाह से दुआ मांगेंगे, ऐसे उसको भी थोड़ा बोले कि ठीक है, ये दया आ गया उसको भी, लेकिन वो भी थोड़ा डर रहे थे कि अरे इसको छोड़ दी तो हमको क्या होगा, इसको मतलब इसको भनक लग गया, समझ रहे हैं ये कितना बड़े आदमी है। तो इसको तो ये बोले कि देखिए आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा, आपके देखिए आपका लाभ ही लाभ है, पहला लाभ है आपके बारे में हम वहां पर प्रार्थना करेंगे अल्लाह मियां से, दूसरा लाभ है कि आपको 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे, आप आराम से अपना ये देख सकते हैं, और आपको क्या बोलना है वो भी बता दूंगा, आप बताएं कि हमको आप लेके गए थे वो नहाने के लिए और हम गंगे में ही वहां पर देहांत हो गया हमारा, और हम कभी इधर नहीं आएंगे, कुछ चिंता नहीं है, कभी हमको ये हुसैन शाह को देख नहीं पाएगा। बोले बहुत अच्छा तरकीब सोचे हैं आपने, ठीक है इसके तरकीब को अपनाते हैं। तो ऐसे तरकीब अपना के उन्होंने भाग निकले। तो सनातन गोस्वामी ये पहले बार हुआ, दूसरे बार उन्होंने मीट करते हैं कहाँ पर, वाराणसी में चैतन्य महाप्रभु से मीट करते हैं, चैतन्य महाप्रभु को उनको शिक्षा दी वहां पर वाराणसी में, एक महीना का वहां पर लगभग उनको वाराणसी के घाट में उसको शिक्षा मिली।
उसको अगर हम लोग संक्षिप्त करते हैं तो बेसिकली हमारे जो संबंध अभिधेय प्रयोजन, ये तीन चीज के बारे में उसको शिक्षा दी गई, और भी बहुत सारा चीज है। संबंध है कि हमारे क्या संपर्क है भगवान से, जैसे क्या संपर्क है हमारे भगवान से, भगवान के सर्वेंट नित्य कृष्ण दास है, तो ये हमारे संपर्क है। तो ये संबंध अभिधेय क्या है, अभिधेय है हम भगवान के पास जो जाएंगे, संबंध तो बन गया, अभी उसके पास जाएंगे, जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑटो से बस से, मतलब प्रोसेस क्या है, वो है अभिधेय। अब प्रयोजन, वहां पर पहुंचने के बाद हमको क्या प्राप्त होगा, तो प्रयोजन, तो मेनली इस चीज तीन चीज के लिए, ये तीन चीज के बारे में चैतन्य महाप्रभु उनको शिक्षा दी, फिर उसको चैतन्य महाप्रभु उनको भेज दिए कहाँ पर, वृंदावन। तो ये वृंदावन में आके वो यहीं पर रह रहे थे, और ऐसे बताया जाते हैं, आप लोग हम लोग पाठ करेंगे सड़क गोस्वामी स्टकम, तो उसमें आप देखेंगे त्यक्ता तूर्ण अशेष मंडल पति सड़िम, मतलब त्यक्ता तूर्ण ये लोग अशेष मंडलपति, ये लोग जो है मंडलपति, मंडलपति मतलब समझते हैं मंडल, मंडल मतलब एक एक बड़े बड़े जायदाद के ये लोग मालिक हुए, उसको त्याग दिए, त्याग के कैसे ये लोग जिंदगी जी रहे हैं यहाँ पर वृंदावन में। कौपिन पंथाष्टु गति, मतलब कौपिन पहन के ये लोग अपना जिंदगी गुजार कर रहे हैं। तो ऐसे और एक कहानी यहाँ पर आते हैं कि कोई एक ऐसे, मतलब उसका थोड़ा दिल में आया भाव आ गया कि हम भी ये गोस्वामी के जैसे कौपिन पहन के सब यहाँ पर रहेंगे, भगवान का भजन साधन करेंगे, लेकिन उसका वो जो रिनाउंसिएशन, जो त्याग है, ज्यादा दिन नहीं रहे, वो पागल हो गया, फिर वापस चला गया था। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं थे, ये लोग सही में भगवान के दीवाना थे। तो यहाँ पर वो लोग ऐसे बताया जा रहे हैं कि वो लोग कैसे यहाँ पर दिन जपन कर रहे थे, ये लोग हर एक पेड़ के नीचे एक एक रात गुजारते थे कि किसी भी चीज से आसक्त ना हो जाए। जैसे हम भरत महाराज के सेशन में पढ़ते हैं, वो किससे आकर्षित हो गया, हरिण से, हर एक पेड़ के नीचे एक एक दिन गुजारते थे, और हे राधे ब्रज गोपी के ऐसे करके वो लोग पूरे वृंदावन में घूमते थे, कहाँ है राधा रानी, तुम कहाँ हो, हाँ ब्रज देवी के, हे कृष्ण आप किधर हैं, आप क्या गोवर्धन में हैं, आप क्या ये सेवा कुंज में हैं, आप क्या निधि वन में हैं, ऐसे बोलते बोलते वो लोग रोते थे, वो लोग भाव में विहोर थे। तो ये जो छह गोस्वामी हम लोग देखते हैं, तो छह गोस्वामी इन लोगों का मेन प्रमुख काम था, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, इन लोगों का मेन प्रमुख काम जो था वो है वृंदावन में। उस टाइम को कुछ नहीं था, जितना कुछ हम लोग देख रहे हैं ये सब कुछ नहीं था। तो लुप्त तीर्थ जो है, जो तीर्थ लुप्त हो गए थे, वो लुप्त तीर्थ का उद्धार करना, उसका संस्कार करना, फिर भगवान के लीला के बारे में और भगवान के जो भक्ति मार्ग के ऊपर ग्रंथ रचना करना, और वो ग्रंथ का प्रचार करना, और भगवान का श्री विग्रह का कैसे पूजा किया जाए, आराधना किया जाए, तो उसके बारे में, भगवान के सेवा के बारे में, भगवान के सेवा का स्टार्ट करना, तो ये सब चीज जो है। हाँ, सनातन गोस्वामी का और एक चीज, उसके इंस्ट्रक्शन मिला था, वो इंस्ट्रक्शन जो मिला था सनातन गोस्वामी को, और एक इंस्ट्रक्शन जो मिला था, तो वो इंस्ट्रक्शन जो है कि वैष्णव एटिकेट, वैष्णव का व्यवहार क्या होना चाहिए, उसके ऊपर किताब लिखने का सनातन गोस्वामी को इंस्ट्रक्शन मिला था। तो ऐसे इन गोस्वामी को इंस्ट्रक्शन मिला था, तो वो लोग यहाँ पर ऐसे अपना दिन गुजार रहे थे। और एक दिन क्या हुआ, एक दिन उन्होंने, उसका दिनचर्या क्या था, आप थोड़ा सुन के हैरान हो जाएंगे। यहाँ से गोवर्धन है 16 किलोमीटर, तो 16 किलोमीटर वो पैदल जाते थे, ठीक है, 16 किलोमीटर पैदल जाके गोवर्धन का परिक्रमा करते थे। 14 किलोमीटर गोवर्धन का परिक्रमा 14 किलोमीटर करने के बाद वहां से मथुरा जाते थे 16 किलोमीटर। मथुरा में वो अपना माधुकरी करते थे, माधुकरी करके वृंदावन वापस लौटते थे। तो ये हर दिन का शेड्यूल था। हम लोग एक दिन गोवर्धन जाते हैं, उसमें ही थोड़ा हम लोग विचार करने लगते हैं, थके जाते हैं। तो ये हमारे सनातन गोस्वामी का शेड्यूल है, 16 किलोमीटर गोवर्धन, 14 किलोमीटर परिक्रमा, 16 किलोमीटर मथुरा,
फिर वापस मथुरा से 11 किलोमीटर वृंदावन। तो ये उनका आप गिन लीजिए, ये उनका हर दिन का कहानी था। तो एक दिन ऐसा क्या हुआ, ये एक दिन का कहानी बहुत गजब होता है, हर एक कहानी एक दिन से स्टार्ट होता है। तो वो माधुकरी करते हुए मथुरा में पहुंचे, मथुरा में देखे एक ब्राह्मण के घर में दो बच्चा खेल रहे हैं। वो दो बच्चा में एक थोड़ा सैम वर्ण के हैं, कृष्णा जी का जैसे कलर होता है वैसे कलर के बच्चे हैं, और दोनों खेल रहे हैं। कि कौन सा खेल रहे हैं, गुली डंडा खेल रहे हैं। गुली डंडा हम लोग खेले हुए हैं शायद, तो गुली डंडा खेल रहे हैं। खेलने का नियम क्या था, जो हारेगा उसको क्या करना पड़ेगा, जो जीता है उसको कंधे में लेके घूमना पड़ेगा जैसे हम लोग। तो पहले बार क्या है, ये बच्चा हार जाता है, मतलब वो ब्राह्मण का बच्चा मतलब एक मान लीजिए एक सफेद नहीं है, एक हमारे जैसे कलर है और एक है सैम वर्ण के। तो पहले बार ये हार जाते हैं, ब्राह्मण के बच्चे हार जाते हैं। तो ब्राह्मण के बच्चे ये काले को अपने पीठे में बिठा के घुमाते हैं। फिर दूसरे बार एक काले हार जाते हैं, फिर काले को बोलते हैं कि हम चढ़ेंगे आप तुम के ऊपर। तो काले बोला हम नहीं चढ़ाएंगे। फिर वो काले के पीछे भाग रहा है, काले दौड़ रहा है, ये काले के पीछे भाग रहा है। और काले भागते भागते कहाँ घुस गए, टेम्पल हॉल में घुस गए और मूर्ति में घुस गए। मतलब काले कौन थे, गोपाल थे। तो वो दौड़ते दौड़ते घुस गए और ये भी घुसने जा रहा था। तो वो जो पुजारी था वो बोले रे किधर आ रहे, बाहर जाके खेल। फिर वो बाहर से बोले ठीक है काल मैं तुझको देख लूंगा, आज तू आज नहीं माना ना, कल तेरे को देख लेंगे। तो ये बहुत किनको अच्छा लग रहा था, कौन देख रहा था ये सब चीज, सनातन गोस्वामी देख रहे थे। सनातन गोस्वामी बहुत अच्छा लगा। फिर नेक्स्ट दिन वो जल्दी चले गए, जल्दी थोड़ा ब्रेकफास्ट का टाइम में पहुंच गए, देख थोड़ा जल्दी पहुंच गए। वहां पे पहुंच के देखते हैं तो ये जो ब्राह्मण के पत्नी वो मतलब सुबह उठे हैं, उठ के अभी ये बच्चे लोगों को भूख लगा है, दोनों बच्चे क्या है प्लेट लेके बैठा हुआ है, मैया मैया खाना दो। और ये जो क्या है, ये नहाया भी नहीं है, ये ब्रास लेके नीम दातन का ब्रास होता था, ब्रास के एक साइड से ब्रास कर रहे हैं और एक साइड से वो खिचड़ी बना रहे हैं। पूरी में भी हम लोग ऐसे कहानी सुनते हैं, वो कर्मा बाई का कहानी, वो यहाँ पर भी ऐसा कहानी है। तो वो एक साइड से दातुन कर रहे हैं और एक साइड से खिचड़ी बना रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी के लगा रहे कि ये कैसे कर रहे हैं भाई। फिर और क्या किया, जब खाना भी परोस रहा है तो गर्म है तो उसे ऐसे फू दे के ठंडा करते हैं, बच्चे को खिलाने के टाइम ऐसे फू दे के ठंडा कर रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी जाके बताते हैं देखिए मैया आप ऐसे मत खिलाइए, थोड़ा नहाया करके बनाया कीजिए, है ना। तो फिर दूसरा दिन जाते हैं, दूसरा दिन जाके देखते हैं ये जो मैया है वो मैया उठ के नहाए, नहाने के बाद बर्तन फर्तन धोए, तब तक बहुत लेट हो चुका था, खाने का टाइम पार हो गया था और ये दोनों को बहुत भूख लगा था, ये दोनों बहुत भूख लगा था। वो लोग माँ का साड़ी को खींच रहे थे, मैया खाना दो करके साड़ी को खींच रहे थे। तो ऐसे करके जब हो रहा था, सनातन गोस्वामी को लगा अरे बेचारा खाना नहीं मिल रहा है, हम इनको ऐसा रूल सिखाते हैं, रूल के चक्कर में खाना नहीं दे पा रहे। तो वो माया को जाके बोलते हैं कि माया तुम जैसे करते हैं वैसे ही करो, हमारा अपराध क्षमा कर दो, तुम जैसे करते हैं वैसे ही करो। फिर वो वहां से चले आ रहे थे। तो उस टाइम ये जो गोपाल है, गोपाल बोले बाबा, तो सनातन गोस्वामी को सब बाबा बोल के बोलते थे, ये नंद ये पूरा वृंदावन में सब उसको क्या बोलते थे, बाबा उसका क्या नाम था, बाबा। उसको सब बाबा बोलते थे। तो बोले बाबा हम आपके साथ जाएंगे। बोले अरे बोले तुमको कैसे तुमको लेके जाएंगे, खाएंगे खिलाएंगे क्या पिलाएंगे क्या, हमारा कुछ नहीं है, हम तो ऐसे ही घूमते फिरते हैं, देख रहे हैं हम ऐसे माधुकरी करके लेके जाते हैं, क्या खिलाएंगे। तो बोले नहीं भाई नहीं, हम आपके साथ जाएंगे, आप जो खाएंगे हम वही खाएंगे। देखो हम तो बहुत मतलब हमारा उतना उम्र नहीं है कि हम तुमको कंधे में लेके जा सकते हैं, तुमको हमारे पीछे पीछे चलना पड़ेगा। बोले हाँ वो भी हम चलेंगे।
आप आगे आगे चलते रहना, हम पीछे पीछे आते रहेंगे, लेकिन पीछे घूमना नहीं है, ठीक है। वो कैसा शर्त लगा दी, वो साक्षी गोपाल की जैसा। फिर सनातन गोस्वामी आगे आगे पीछे पीछे, फिर आके यहाँ पर सनातन गोस्वामी इसी प्लेस में जहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, यहीं पर सनातन गोस्वामी पीछे घूमे, तब वो गोपाल अपना बेटी बन गया। तभी वो गोपाल अपने मतलब मदन मोहन जी बन गए, मदन मोहन जी बन गए। तो ऐसे हमारे मदन मोहन जी का आविर्भाव ऐसे यहाँ पर हुआ, समझ रहे। ये जो मदन मोहन है, ये मदन मोहन ऐसे यहाँ पर आए। तो यहाँ पर देखेंगे राधा मदन मोहन हम बोल रहे हैं। तो राधा मदन मोहन, तो राधा जी पहले यहाँ पर नहीं थे। ये राधा जी कैसे आए, पुरी के जगन्नाथपुरी में एक जगह है चक्रवेदा करके ऐसे, तो उसी प्लेस में वहां के लोग एक ऐसे मतलब देवी का मूर्ति को, देवी का प्रतिमा को वो लोग लक्ष्मी जी के हिसाब से पूजा कर रही थी, लक्ष्मी जी। तो वो देवी ने सपना में आए, वो पुजारी के बोले, देखिए हम लक्ष्मी जी नहीं है, हम राधा रानी है, और हमको वृंदावन जाना है, हम मदन मोहन के लिए वेट कर रहे हैं, मदन मोहन जी आ जाएंगे तो हम भी वृंदावन चले जाएंगे, तो हमको लक्ष्मी जी के जैसा मत पूजा कीजिए। तो उसके बाद तो उसके बाद जो जानवा माता है, जानवा माता कौन है, जानवा माता है नित्यानंद प्रभु की वाइफ। तो जानवा माता वो जो राधा रानी है, राधा रानी को लाती है यहाँ पर, राधा रानी को लाती है और मदन मोहन के पास राधा मदन मोहन का सेवा यहाँ पर स्टार्ट होता है। और उस टाइम अभी वो तो एक भिखारी थे, क्या खिलाएंगे, तो वो ऐसे कुछ ऐसे मतलब सत्तू का आटा का मतलब बना देते थे बिना नमक का, पानी भी उसमें ज्यादा नहीं था, तो अंदर ज्यादा नहीं था। तो ये गोपाल बोले कि देखिए थोड़ा तो नमक दिया कीजिए इसमें, भाई बाबा इसमें नमक थोड़ा दिया कीजिए और पानी दिया कीजिए, अंदर जाता ही नहीं है, सूखा सूखा है। तो बोले देखिए ऐसे करेंगे तो हम सेवा नहीं करेंगे, तो आपका नमक खाना है, पानी खींचना है, आप अपना देख लीजिए। तो सनातन तो गोपाल जी देखे कि अरे तो बहुत मुसीबत में पड़ गया, हम ही आए इसके साथ, ये तो नहीं आना चाह रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिन के बाद ये यमुना से एक नौका जा रहा था, एक मर्चेंट, बहुत बड़े मर्चेंट जा रहे थे, उसका नाव इधर ही अटक गया। वो बहुत कोशिश किया लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो वो वहां से आए यहाँ पर, और यहाँ पर आके प्रार्थना की ड्यूटी से कि अगर हमारा ये नौका उड़ जाए, हमारा बिजनेस अच्छा हो, तो इससे हम आपका मंदिर बना देंगे, आपका पूजा स्टार्ट कर देंगे, आपका सेवा स्टार्ट कर देंगे। तो उसके बाद ही उसका नौका चलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे मदन मोहन जी का लीला है। तो उस बार उसका बहुत प्रॉफिट हुआ और उसी प्रॉफिट से वो मंदिर बनाया, मंदिर बना के वो यहाँ पर भगवान का सेवा पुजारी के पास देके वो अपना फिर वो तो यहाँ पर एक जगह रुकेंगे नहीं, वो अपना घूमते रहे। तो ऐसे करके मंदिर प्रकट हुआ। लेकिन आप लोग जब जाएंगे, जो दर्शन करेंगे हमारे राधा मदन मोहन जी का, तो ये राधा मदन मोहन जी हमारे ओरिजिनल डेटी है नहीं, लेकिन दुख अनुभव मत कीजिए। हमारे जो औरंगजेब है, औरंगजेब मुगल एम्परायर में थे, तो औरंगजेब बहुत सारे मंदिर का ध्वंस कर दिए थे। तो हमारे वृंदावन के सब अच्छे अच्छे मंदिर का ध्वंस हो गया था औरंगजेब के हाथों से। तो औरंगजेब 800 बहुत सारे मंदिर का मंदिर। तो यहाँ का भी बहुत सारे बहुत जगह टूटा फूटा है, डोम का ये सब ध्वंस हो गया है। और औरंगजेब आएंगे इसके डर में पुजारी लोग ये ड्यूटीज जो है, हम लोग राधा गोविंद जाएंगे, बहुत सारे ड्यूटीज जो है मैक्सिमम ड्यूटीज यहाँ के जयपुर को शिफ्ट कर दिया गया। जयपुर ओरिजिनल ड्यूटी, खाली एक और दो ओरिजिनल ड्यूटी यहाँ पर है, नहीं तो सब ओरिजिनल ड्यूटी जयपुर में शिफ्ट हो गए। क्योंकि जयपुर में उस टाइम मानसिंह ये सब मतलब थे, राजपूत लोग थे, तो उनके साथ चले गए। तो यहाँ पर जो डेटी है वो प्रतिभू डेटी उसको बोला जाता है, दैट इज मतलब इक्वल टू द ओरिजिनल डेटी, प्रतिभू डेटी इक्वल टू ओरिजिनल डेटी। तो प्रतिभू डेटी यहाँ पर है जिसका दर्शन आप करेंगे,
तो यही यहाँ का लीला है, और भी बहुत सारा लीला है, तो अभी समय कम है, हम यहाँ का कथा का विराम करते हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। जान पा रहे हैं वृंदावन को, जान पा रहे हैं इसका जो लीला भूमि है उसके बारे में जान पा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु उन्होंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये वृंदावन धाम का जो महिमा है उसको प्रकट किया। डायरेक्टली उन्होंने जैसे राधा कुंड का उन्होंने खुद ही मतलब उसका एक्सकैवेट किए, और उनके छह गोस्वामी के दौरान और भी बहुत सारे उनके अनुजाई हैं जिसके दौरान उन्होंने बहुत सारे लीला स्थली का भगवान राधा कृष्ण के बहुत सारे लीला स्थली का उन्होंने प्रकट किए। तो ऐसे करके उन्होंने ये जो वृंदावन है वृंदावन का पुनर्निर्माण किए बोल सकते हैं, क्योंकि ये वृंदावन मतलब वैनिश हो गया था, ये साधारण आदमी को नहीं दिख रहा था, लेकिन ये चैतन्य महाप्रभु के कृपा के दौरान उनके शिष्य के कृपा के दौरान ये हमारे सामने प्रकट है। तो अभी एक एक करके हम लोग पहले सनातन गोस्वामी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, उसके बाद उनको ये कैसे ये ड्यूटी मिला, मदन मोहन जी ये ड्यूटी कैसे आया उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद हम लोग ये मंदिर कैसे बना उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग सनातन गोस्वामी के बारे में थोड़ा सुनेंगे। सनातन गोस्वामी जो थे एक्चुअली ये लोग तीन जन थे, ऐसे बोला जाता है कि सनातन गोस्वामी के परदादा जो हैं वो साउथ इंडिया से हैं, तो साउथ इंडिया के ब्राह्मीण फैमिली से भरद्वाज फैमिली से बिलोंग करते हैं साउथ इंडिया के, और इनके पिता बांग्लादेश में यशोर में चले गए, बांग्लादेश के जसोर शहर में, और वहीं पर ये तीनों भाई का मतलब अपीयरेंस हुआ। तो तीनों भाई का जो नाम है अमर है संतोष और अनुपम, अमर संतोष अनुपम। तो अमर जो है जिसका बाद में नाम हुआ सनातन गोस्वामी, और उनका संतोष का नाम हुआ रूपा गोस्वामी, और अनुपम जो है वो उनके भाई हुए, और ये अनुपम के जो बेटे हैं वो है जीवा गोस्वामी जिसका जन्म हुआ था मालदा में रामकेली में। तो ये सनातन गोस्वामी रूपा गोस्वामी ये तीनों भाई एक्चुअली जो है तीनों भाई बहुत ही मतलब अपने ब्राह्मण कुल से रहते हुए बहुत ही पंडित व्यक्ति थे, और बहुत जल्दी ये लोग शास्त्रों को समझ लिए, न्याय व्याकरण ये सब बहुत बहुत पढ़ाई किए। सार्वभौम भट्टाचार्य जिसके बारे में हम लोग सुनते हैं पुरी में, सार्वभौम भट्टाचार्य और उनके ब्रादर मधुसूदन वाचस्पति ये दोनों के पास जाके वो लोग शिक्षा लाभ किए, ये लोग से शिक्षा लाभ किए रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी शिक्षा लाभ किए। फिर इनके संस्कृत सीखे, अरबी सीखे, पारसी सीखे, तो बहुत सारे लैंग्वेज ऐसे ये लोग जानते थे, बहुत पंडित व्यक्ति थे, और इसके मतलब इतना स्कॉलरली पर्सन थे कि उस टाइम बंगाल में मुस्लिम राज चल रहा था, तो मुस्लिम के जो राजा हुए उस टाइम अलाउद्दीन हुसैन शाह, तो हुसैन शाह के दरबार में ये दोनों को नियुक्त किया गया, वो भी डरा के, ऐसा नहीं वो लोग खुद से हुसैन शाह के दरबार में जाके बोले कि हम लोग को नौकरी चाहिए, जैसे हम लोग अभी पास आउट होने के बाद जाते हैं हमको नौकरी चाहिए करके ऐसे नहीं, ये लोग का ग्लोरी ऐसा था कि हुसैन शाह ये लोग को बोल रहे थे तुम आओ, लेकिन ये लोग नहीं आना चाह रहे थे, तो बहुत डरा के धमका के इन लोगों को नौकरी में नियुक्त किया गया। तो उसके बाद हुसैन शाह ने इन लोगों का जो ब्राह्मीण फैमिली है इन लोगों को कन्वर्ट कर दिए, इन लोगों को उस टाइम के प्रथा था कि एक मुस्लिम मान लीजिए पानी लेके आपके आपके शरीर में छिड़क देता है तो आप मुस्लिम हो गए, मतलब बहुत ही आसान प्रथा था, ठीक है। तो उन लोगों को मुस्लिम ऐसे बना दिया गया है, और इन लोगों का नाम दिया गया जैसे अमर का नाम क्या पड़ा, साकिर अली, सनातन का नाम पड़ा साकर मल्लिक, अमर का नाम पड़ा साकर मल्लिक, संतोष का नाम पड़ा दबीर खास। एक्चुअली ये नाम नहीं है, आप लोग को बता देता हूँ, एक्चुअली मैं भी पहले समझता था ये नाम है, लेकिन बाद में किताब पढ़ने से पता चला कि ये नाम नहीं है, एक टाइटल है। तो जैसे दबीर ई खास, खास मतलब बोलते हैं ना खास आदमी, तो मतलब दबीर ई खास मतलब है ये प्राइवेट सेक्रेटरी, मतलब अपने हुए क्या प्राइम मिनिस्टर के जैसा पोस्ट हुए। तो ये किसको मिला था, रूपा गोस्वामी दबीर ई खास,
और साकर मल्लिक साकर मल्लिक इस नाम इसका मतलब जो होता है फाइनेंस मिनिस्टर, तो अर्थमंत्री, अर्थमंत्री का पद किसको मिला था? सनातन गोस्वामी को। तो ऐसे ये दोनों भाई ये राजा के दरबार में सेवा कर रहे थे और सेवा करते करते उन लोगों को और उसके साथ भी ये भी आ गए थे उनके जो भाई, उनके थर्ड भाई कौन नाम क्या है अनुपम, अनुपम भी आ गए थे। दोनों एक साथ रामकेली में आके वहां पर रह रहे थे। तो रामकेली में वो लोग नवाब उन लोग को बहुत फैसिलिटी दी, बहुत सारा जायगा दी, बांग्लो बना दी और वहां पर वो लोग ऐसे बनाए कि एक गुप्त वृंदावन के जैसे बनाए वहीं पर ही। और वहां पर वो लोग भागवत पाठ करते थे, यद्यपि वो लोग मुसलमान मतलब उन लोगों को बनाए दिया गया था जो भी हो, लेकिन वो लोग भागवत पाठ करते थे, ऐसे मतलब कथा करते थे, कृष्ण जी के बारे में सुन आपस में वार्तालाप करते थे, ऐसे करके उनका दिन चलता था। तो एक दिन उन लोगों को सुनने को मिला कि चैतन्य महाप्रभु आ रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु कहाँ आ रहे हैं? रामकेली आ रहे हैं। एक्चुअली रामकेली होते हुए चैतन्य महाप्रभु का सफर जो है पूरी से वो जा रहे थे वृंदावन, रामकेली होते हुए इधर से जाने का प्लान था। तो रामकेली में जब आए हैं तो फर्स्ट टाइम दो बार मीट किए ये लोग चैतन्य महाप्रभु के साथ दो बार मीट किए। तो पहला बार जो मीटिंग हुआ रामकेली में, तीनों भाई छुपते रामकेली में चैतन्य महाप्रभु के पास जाके मीट किए। और हम लोग जो जानते हैं जो वहां पर वो लोग बोलते हैं कि के हमी कहने मोरे जाके ताबत्र है ना, ग्रामो व्यवहारे कहे हमी पंडित, वो लोग बोल रहे हैं कि हमको सब लोग बोलते हैं कि हम पंडित व्यक्ति हैं, लेकिन हम जो पंडित व्यक्ति हैं वो हमको खुद को ही पता नहीं है कि हम पंडित हैं। कैसे? कि हमको खुद को पता नहीं है कि हम कौन है और हमको क्या करना चाहिए, और ये जो त्रिताप क्लेश हम भोग रहे हैं, त्रिताप क्लेश हमको क्यों मिल रहा है, इससे कैसे छुटकारा मिल सकते है। तो ये जो क्वेश्चन है वो किनको किए? चैतन्य महाप्रभु को। एक्चुअली ये इससे हम लोग पता चलता है, एक्चुअली जो चैतन्य महाप्रभु भी दर्शन सिखाते हैं हम लोग उसी धारा में ये गोस्वामी लोग भी हम लोग को सिखा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु हम लोग को कैसे सिखाए? चैतन्य महाप्रभु बोले गुरु मोरे मूर्ख देखी करी लो शासन। चैतन्य महाप्रभु जो है वो स्वयं कृष्ण है, उनको क्या चीज पता नहीं, सब कुछ पता है, लेकिन उन्होंने क्या बोल रहे हैं, गुरु मेरे को मूर्ख देख के मेरे को शासन किया। तो ऐसे हम लोग नम्रता को शिक्षा देते हुए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि गुरु के सामने हम लोग को मूर्ख के हिसाब से जाहिर करना है। तो ऐसे हम लोग उसके शिष्य में देखते हैं रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी बड़े विद्वान थे, क्या इन लोगों को पता नहीं था? नहीं, ये लोग क्या है, अपना बिना ह्यूमिलिटी ऐसे बताया जाता है। सनातन गोस्वामी अपने दांत में वो तृण घास को लेके आ गए, मतलब उसका मतलब ये होता है जैसे गाय भैंस क्या कहते हैं, घास खाते है ना। तो हमारे जो पोजीशन वो स्पिरिचुअल मास्टर स्पिरिचुअल अथॉरिटी के पास गाय भैंस के जैसा हम उसको सिद्ध कर रहे हैं। तो जो भी हो यहाँ पर वो लोग मीट किए, मीट करने के बाद उसी रात को वो लोग पहले बोल रहे थे कि हम आपके साथ चले जाएंगे, तो चैतन्य महाप्रभु बोले नहीं नहीं ऐसा करना एकदम सही नहीं होगा। तो वो लोग वापस फिर आए, तो वो लोग प्लान बनाए कैसे जाया जा सकता है। तो सुबह जब वो लोग दरबार में गए तो दरबार में कहाँ कहाँ से खबर आ गया कि ऐसे एक कहाँ से एक संत महात्मा आए हैं, उनके पीछे पीछे लाखों लोग दौड़ रहे हैं। ये संत महात्मा कौन है? चैतन्य महाप्रभु। तो अभी रूपा गोस्वामी सनातन गोस्वामी इन दोनों को अभी डर लग गया, अरे ये तो मुसलमान आदमी है, इसको कुछ भरसा नहीं है, ये क्या करेगा चैतन्य महाप्रभु को, है ना। जैसे माता यशोदा को बहुत डर रहता है कृष्ण को कोई कुछ ना बिगड़ दे, हालांकि कृष्ण को कोई कुछ नहीं कर सकते, ऐसे चैतन्य महाप्रभु कोई कुछ नहीं कर सकते, लेकिन भक्त लोगों का एक दिल होता है कि वो हमेशा अपने भगवान को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, है ना। तो ऐसे ही उन लोग वो लोग चाहे कि चैतन्य महाप्रभु का कोई कुछ खति नहीं करे, तो इसीलिए वो लोग बोले नहीं नहीं आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, बोले नहीं नहीं वो एक महात्मा आए, तो स्वयं हुसैन शाह उनको पूछे कि ये जो महात्मा के जो आए हैं जिसके बारे में इतना सारा बात चल रहे हैं क्या वो सही है। तो वो लोग झूठ मूठ का बताए कि देखिए ये जो बात चल रहा है ये बात ऐसे है नहीं, इसे झूठ है, ये पागल सन्यासी है, वो पागलों के जैसा घूम रहे हैं और दो चार आदमी उसके पीछे पीछे उसके चला चामुंडे लोग उसके पीछे पीछे आ रहे हैं, ऐसे कुछ बात नहीं है। लेकिन फिर वो लोग जाके चैतन्य महाप्रभु को बताए, चैतन्य महाप्रभु इसके बाद जाके वो लोग चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं, यहाँ पर नवाब जी से बात होने के बाद वो लोग चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं।
और चैतन्य महाप्रभु से सब वार्तालाप होने के बाद लास्ट में जब वो लोग चैतन्य महाप्रभु के मतलब वहां से निकल के आ रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु को वो लोग बोले कि देखिए चैतन्य महाप्रभु उन लोगों को पूछे कि हम वृंदावन जाना चाहते हैं तो क्या क्या सही रहेगा। तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी बोले देखिए प्रभु आप तो सराट हैं आपको कोई कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आप जहां चाहेंगे वहां पर जा सकते हैं, लेकिन तब भी आप अगर हम लोगों का सलाह चाहते हैं तो हम बताएंगे कि आप इस बार मत जाइए, क्योंकि वृंदावन जो है वो आप इतने सारे लोग को लेके जाएंगे तो बहुत मतलब मैनेजमेंट करना पड़ेगा, बहुत टेंशन लेना पड़ेगा और बहुत ये लोग क्या कोई लेट आएगा उसको बुलाने में लेट हो जाएगा, कोई आस्ते चल रहा है पानी खत्म हो गया पानी पी रहा है, बहुत कुछ चलेगा ये सब नाश्ता। तो इसीलिए आप वृंदावन जो जाइए एक दो जन को लेके जाइए लेकिन इतना सारे लाखों लोग को लेके मत जाइए, ये पहला रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि ये जो नवाब है हुसैन शाह इसको पता चल गया आपके बारे में, आप जो लाखों लोग लेके घूम रहे हैं वो हम आज सुबह ही वो हमको पूछे क्या पूछे कि हमार जब युद्ध करने जाते हैं ये जो सैनिक लेके जाते हैं सैनिक को पैसा दे के लेके जाते हैं तब भी कोई सैनिक हमारे पीछे आने के लिए राजी नहीं होता है। और ये जो है पागल सन्यासी ये कुछ देते नहीं है लेकिन इसके पीछे लाखों लोग छूट रहे हैं, ये कैसा सन्यासी है, ये कुछ नहीं देते हैं तब भी इसके पीछे सब आ रहे हैं और हम देते हैं उनके परिवार का भरण पोषण के लिए लेकिन हमारे पीछे कोई नहीं आते हैं। तो ऐसे बातचीत चल रहे हैं सब दरबार में, आप एक काम कीजिए आप वापस चले जाइए पूरी दूसरे बार प्लान कीजिए और ऐसे लाखों लोग को ले मत जाइए। तब चैतन्य महाप्रभु ने बोले ठीक है चलो हम वही करते हैं। तो फिर उसके बाद उन्होंने चैतन्य महाप्रभु वहां से पूरी जाते हैं और ये लोग प्लान करते हैं कैसे हम लोग निकलेंगे। तो पहले रूप गोस्वामी वो अपना रेजिग्नेशन दे देते हैं, अपना रेजिग्नेशन लेटर दे देते हैं पदत्याग पत्र। तो वो रेजिग्नेशन लेटर दे के उन्होंने अनुपम के साथ वो निकल जाते हैं और बहुत सारे सोने को दो हिस्से में बांटता है। एक्चुअली उनका जो सिस्टम है उसी सिस्टम को हम लोग अपनाते हैं कई हद तक। उन्होंने 50% उनका पूरा जो वेल्थ था उसका 50-50% करके डिवाइड किया है ना, ऐसे बोला जाता है कि एक बड़े बड़े नौ